इंटरनेट से पैसा कमाने के मुस्बत पहलू, यानी कि जो ऑनलाइन अर्निंग के जो हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसको सुनने के बाद आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी, आपको बहुत सारा ऐसा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ जी, आप भी इंटरनेट से अर्निंग कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, फिर लेट्स बिगिन। सो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाज़िब दानिश है और ऑनलाइन अर्निंग की हमारी जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी है। आज हमारी क्लास नंबर 4 है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी क्लास 1, 2, 3 नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, और इस वीडियो के एंड पे भी हमारी प्लेलिस्ट आ रही होगी, आप वो भी देख सकते हैं, या यहाँ कहीं आई बटन आ रहा होगा, आप वहाँ पर क्लिक करके भी हमारी पीछे वाली तमाम वीडियोज़ देख सकते हैं। तो जी, आज की हमारी जो क्लास है वो इसी बारे में है कि हमारे जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इंटरनेट से अर्निंग के, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट देखें जी हमारा, लामहदूद इम्कानात। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इंटरनेट से पैसा कमाने के अनगिनत इम्कानात और मौके मौजूद हैं, लेकिन यह सच्चाई भी अपनी जगह है कि आप इनमें से हर तरीके के ज़रिए पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि आपकी सलाहियतें, आपकी महारत और आपका वक्त महदूद हैं। तो बेहतर यही है कि पैसा कमाने का वो तरीका, वो रास्ता तलाश कीजिए जिस पर वाकईतन आपको अपना वक्त लगाना चाहिए, और वो तरीका ऐसा हो कि तवील अरसे तक आपके लिए मुसलसल आमदन का ज़रिया बना रहे। रवायती तरीक़ों, मसलन कापी राइटिंग, मुख्तलिफ चीज़ों की ऑनलाइन फ़रोख्त और ऑनलाइन सर्विसेज में हिस्सा लेने के अलावा, अब ऐसी वेबसाइट्स भी मकबूल हो रही हैं जो अजीबोगरीब काम करने तक के पैसे देती हैं, हत्ता कि बहुत से लोग तो सिर्फ ऑनलाइन गेम्स खेलकर भी पैसे कमा रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, लचक। लगे बंदे वक्त की कोई कैद नहीं, ऑनलाइन काम करने में इतनी लचक है कि आप अपनी सहूलत और तर्ज हयात, यानी कि लाइफस्टाइल के हिसाब से अपने काम का टाइम टेबल ख़ुद तरतीब दे सकते हैं, लेकिन इसमें नज़्म व ज़ब्त बहरहाल होना चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो तो आप कहीं से भी किसी भी वक्त काम कर सकते हैं। अब क्योंकि आप अपने पास अमलन खुद हैं, लिहाजा आप अपने काम को इस तरह तरतीब दे सकते हैं कि वो यकीनी तौर पर मतलूबा वक्त के अंदर अंदर और बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल हो जाए। पॉइंट नंबर 3, इब्तदाई सरमायाकारी की कोई ज़रूरत नहीं। जाहिर है कि ये इस पर मुनहसर है कि आप ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार करते हैं, लेकिन आम तौर पर आपको सिर्फ़ एक कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन ही की ज़रूरत पड़ती है। इंटरनेट पर काम करने के अलीहदा से बाकायदा दफ्तर बनाने पर कोई लागत नहीं आती, क्योंकि ये ज़रूरी भी नहीं होता। इजाफी अमले और मुलाजमीन भी दरकार नहीं होते। आप अपने घर के किसी भी कोने को, चाहे वो एक छोटी सी मेज़ और कुर्सी पर ही मुश्तमिल क्यों ना हो, बआसानी अपना दफ्तर और काम की जगह बना सकते हैं। ये याद रखिएगा कि ऑनलाइन आमदन के बेशतर ज़राए से वाबस्ता जायज़ और दुरुस्त इदारे कोई पेशगई एडवांस रकम नहीं मांगते, ठीक है। नंबर 4, जो हमारा पॉइंट नंबर 4 है, अब आ जाते हैं उस पर। आलमी मौके, रिवायती अंदाज़ में काम करने का मतलब ये है कि आपको रोज़ाना एक ही जैसे लोगों से मिलना पड़ता है और कमोबेश हर रोज़ एक ही जैसा काम होता है। इसके बरक्स जब आप ऑनलाइन काम करते हैं तो ना सिर्फ आपको तकरीबन हर रोज़ ही कुछ नया करने को मिलता है, बल्कि दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक, नस्लों, ज़बानों और तहज़ीबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से भी आपका रابطہ होता रहता है। इस तरह आप ऑनलाइन काम करने के साथ साथ हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और आप में एक नया जोशो जज्बा मौजन रहता है। पॉइंट नंबर 5, काम का मनपसंद माहौल।
आम दफ्तर की बात करें तो वहाँ आपको रोज़ाना एक ही मेज कुर्सी पर बैठकर एक ही जैसा काम करना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन काम में आप आज़ाद होते हैं कि जहाँ दिल चाहे वहाँ बैठकर काम कर सकें। मसलन आप घर को अपना दफ्तर बना सकते हैं, लॉन में या किसी कॉफ़ी शॉप में बैठकर भी काम कर सकते हैं। इस बारे में तहकीक से मालूम हुआ है कि काम का माहौल तब्दील करते रहने से लगन, पैदावारी सलाहियत और कारकर्दगी में इजाफा होता है। पॉइंट नंबर 6, अपनी आमदनी खुद तय कीजिए। रिवायती मुलाजमत करने वालों को एक लगी बंदी तनख्वाह और इसके साथ ओवर टाइम और कमीशन वगैरह की सूरत में कुछ और माली फवायद भी हासिल होते हैं। ताहम ऑनलाइन में आप अपनी मेहनत, लगन और महारत से अपनी आमदन में भी ज़बरदस्त और मनचाहा इजाफा कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट गाइस, यहाँ तक के जो हमारे मुस्बत पहलू थे, यानी कि हमारे जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे इंटरनेट से अर्निंग करने के, वो तकरीबन हमारे कितने थे आप बताएं कमेंट करके। चलें मैं बता देता हूँ पहले, हमारे हाथ जो पॉइंट्स थे वो 6 पॉइंट्स थे, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त हैं, काफ़ी मोटिवेशन देते हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंस देते हैं हमें और इस चीज़ की तरफ रागिब करते हैं कि जी हम ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आएँ, क्योंकि इसके इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि आपने अगर इसको गौर से सुना होगा ना तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा बखूबी। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे मनफी पहलू हैं, जो हमारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं ऑनलाइन अर्निंग के, उनकी। तो यहाँ तक इसको देखें, जो हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं नेगेटिव से, ठीक है। तो हमारे जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत मोटिवेशन देंगे आपको। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आए तो काइंडली आप एक बार दोबारा इस वीडियो को वॉच कीजिए और ग़ौर से सुनिए, मेरे ख्याल से सेकेंड टाइम में आपके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक रखिएगा अपना ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरा नाम शाज़िब दानिश है और आप देख रहे थे ज़ैप्टेक अकेडमी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।